हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्प्रा स्टूडेंट। इन दिस ब्लॉग, दिस इज अ ब्लॉग ऑफ माय विलेज, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो ये पीछे अभी मेरा घर आपको दिख रहा है और मेरे साथ आज आदित्य हैं। ये आदित्य यादव यहाँ हमारे गांव के एक होनहार प्लेयर हैं जिनको बहुत सारे गेम का एक्सपीरियंस है, यानी कि ये मार्बल्स खेलते हैं, कंचा खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, गोला खेलते हैं। ये मेरा भाई अंकुर और ये भी मेरे साथ आज आपको मेरा गांव दिखाने में आपको मदद करेगा। चलिए आपको हम अपने पूरे गांव का व्यू देते हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस, यहां पे जो है हम आपको अपना पेड़ दिखाना चाहेंगे। इन पौधों को मैंने अपने हाथों से लगाया और आज मुझसे बड़े हो गए। इनकी हाइट दिखा दीजिए, ये जो है आज मुझसे इतने बड़े हो गए हैं, मुझसे दोगुने तिगुने हो गए हैं। तो ये पेड़ मैंने लगाया था, यहाँ पे फ्लावर का पेड़ है, इसमें येलो येलो फ्लावर आता है। आइए और आपको मैं फूल दिखाता हूँ। और ये पेड़ जो है आ गया, ये पेड़ भी मैंने लगाया था, ये पेड़ भी आप देख सकते हैं मैंने लगाया अपने हाथों से, आज जो है मुझसे बड़ा हो गया। बड़ी खुशी हो रही है, पेड़ पौधा लगाने का मुझे बहुत बड़ा मतलब क्या है, शौक एक तरह समझ लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाना। आइए मैं आपको और अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़ दिखाता हूँ। यहाँ जो सामने ये बना हुआ है ईंट का, यहाँ कवर किया है मैंने ताकि जो है कोई जानवर ना खा ले। इसके अंदर जो है लेमन का है, ये लेमन ट्री है, लेमन ट्री है, नींबू आएगा, छोटा छोटा नींबू। आइए और दिखाता हूँ। ये सूखने की कगार पे इसमें बहुत दिन से पानी नहीं पड़ा था, हो सकता है पतझड़ का असर हो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो पत्तियाँ इसकी जो है सूख गई हैं, ये भी टूट गई, इसमें पानी देंगे हो सकता है फिर से जीवित हो जाए भी। ये किसका था अंकुर? ये था शायद बबूल का। नहीं, ये चिलबिल है क्या ये? हाँ चिलबिल, ये जो है चिलबिल का पेड़ है। आइए और आपको हम दिखाते हैं। ये है मौसम्बी, हमारे गांव कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अंकुर? आई डोंट नो। हाँ, इंग्लिश इनको ज़्यादा आती है, मुझसे ज़्यादा इंग्लिश इनको आती है। तो ये हम लोग तो मौसम्बी कहते हैं। ये नींबू का ही परिवार से बिलोंग करता है, बड़ा बड़ा होता है, इसका जूस वगैरह मिलता रहता है। तो ये मौसम्बी का पेड़ है। आइए और मैं दिखाता हूँ, ये भी मैंने ही अपने हाथों से लगाया। आइए और पेड़ दिखाता हूँ जो मैंने अपने हाथों से लगाया। और ये रहा हमारे हाथों से लगाया हुआ नीम का पेड़। ये देखो इसकी छाया, छत्र छाया में हम खड़े हैं इसके। तो ये जो है हमसे जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। आइए अपने हाथों से लगाया हुआ कुछ और पेड़ दिखाते हैं। अब ज़्यादा तो नहीं लगाया हूँ लेकिन जो लगाया हूँ दिखा रहा हूँ। मेरी बछिया है, गाय की बछिया, इतनी क्यूट है, एक किस दे दो। ये बछड़ा नहीं है, काल्फ है। हाँ ये काल्फ है और छोटा सा है। और आइए पास इसको दिखाते हैं, ये सबसे छोटा सा है, इससे भी छोटा ये है और ये भी बड़ा प्यारा है। लव यू। आइए ये है मेरी बड़ी वाली गाय और छोटी वाली गाय इधर है। ये तीन हिम्मत मारना। अरे ये जो है थोड़ा मारती खा गा है, बहुत मारती है ये गाय। इसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने? इसे नाटी नाटी हमारे घर में करके बुलाया जाता है। इसका नाम श्यामा नहीं है, श्यामा तो वो काली वाली थी जो भाग गई, उसको हम लोगों ने भगा दिया। ये हमारा महुआ का पेड़ है, इसके अंदर इसे हमने कवर कर लिया है क्योंकि यहाँ ये जो बकरी, यहाँ गोट दिख रही है आपको, ये इस पे चढ़ के इसको, इसकी पत्तियाँ जो है खा जाती हैं ये गोट, तो हमने इसे कवर कर लिया ताकि इसकी पत्तियाँ खा ना जाएँ। और इसके पीछे वाला पेड़ भी ये है, क्या कहते हैं, शीशम का, शीशम का, ये भी मैंने अपने हाथों से लगाया था। ये बहुत ही क्यूट बकरी है और ये हमारे फार्मर अंकल की सबसे प्यारी गोट है, इसको मैं अभी लव करता हूँ। ये सींग भी मार देती है, इसे ज़्यादा लव मत करो। नहीं, इसका ये बछड़ा है कि क्या है? काली गोट बछड़ा है। यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है, यहाँ पे ये तालाब है, पोखर हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का पोखर है। और कैमरा मैन अंकुर चुपला, एक बार कैमरे को पूरा सुंदर यहाँ का व्यू आता है, यहाँ पे फोटो कितनी अच्छी आती है। ये वो देखो, यहाँ पे फोटो अगर खिंचवाना हो तो बहुत अच्छी आती है। ये
आपको कितना क्लीन लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये जो है थोड़ा गंदा है। तो इसका व्यू आप देख लीजिए। तुम्हारी नहीं आएगी अंकुर, तुम्हारी नहीं आएगी। तो ये जो है बड़ा प्यारा सा तालाब था। यहाँ पे कुछ और गायें, यहाँ पे उपले रखे हुए हैं। आप लोग शायद ना जानते हो, मैं बता देना चाहता हूँ। इन उपलों का क्या, ये गाय के गोबर से बनता है और इसका उपयोग हम लोग जो है ईंधन के लिए करते हैं, आग जलाने के लिए। यहाँ पे चूल्हा गांव में होता है खाना बनाने के लिए, तो इससे जो है ईंधन का काम करता है ये उपले जो है गाय के इसी गोबर से। हाँ, यहाँ अंकुर कुछ बताना चाहते हैं। अंकुर फिर से बताइए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गाय के गोबर को इंग्लिश में कहते हैं काउ डंक। हाँ, तो ये काउ डंक है और ये है ईंधन के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो इकट्ठा किया गया है, इससे हम गोबर गैस भी बना सकते हैं, पर बनाएंगे नहीं, ये एज अ फर्टिलाइजर इसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है गाय के गोबर को, ताकि हम अपने खेतों में यहाँ पे डाल सकें, उसके फर्टिलाइजर को उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे गाँव का सबसे प्यारा लड़का आ गया। और ये कुछ चुरा के लाया अपने घर से, क्या लेके आए हो? ये तो ये फोटो खिंचवाने में बहुत माहिर है, ये बड़े खुशी होके फोटो खिंचवाता है। यू आर किंग। ये बताओ, इनका नाम सनी है। सनी, वो कुत्ता कहाँ गया, छोटा वाला? छोटा वाला कुत्ता कहाँ, हिम्मत नहीं यहाँ। छोटा कुत्ता कहाँ है, छोटा कुत्ता कहाँ है, छोटा कुत्ता? चलो दिखाओ। छोटे कुत्ता, हमको छोटे कुत्ते तुम ही लग रहे हो। यहाँ पे इसका भाई आ गया रुद्र, ये हैं रुद्र, इनके भाई ये हैं सनी। सनी को सनीचर सवार रहता है, और ये जो है, ये जो है मगन रहते हैं। एक ये प्यारा सा बछड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए और कुछ घुमाता हूँ, आप बोर नहीं होंगे। हमारे गांव में जो है हरियाली हरियाली है, देखिए छोटी मोटी हरियाली, बहुत सारे पेड़ हैं हमारे गाँव में, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये हमारे गांव का कंप्लीट व्यू आता हुआ, ये हमारे गांव के प्रधान का घर है। गांव से चले थे अपने घर से, मैं तीन ही लोग चले थे, अब हमारे साथ कितने लोग जुड़ गए हैं, हम तीन थे और दो बढ़ गए, पांच हो गए। तो ये जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे हमारा पूरा गाँव। ये हमारे आ गए दाऊ भैया। दाऊ भैया अभी जो है इनके हाथों में इतना दम है कि जो है दो दो आलू के गट्ठर के बोरे को ऐसे उठा के पटक देंगे, जैसे लगेगा कि ये दारा सिंह है। तो ये हमारे दाऊ भैया थे। ये छोटा बच्चा, इसकी पहलवानी आप देखिए। ये जो है बहुत नटखट बालक है हमारे यहाँ का, इसे आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ कुत्ते आ गए, आओ सेल्फी ले लें। प्यालू 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 क्राउड करता है इसको पकड़ने पे। छोटे छोटे पिल्ले और ये छोटा पिल्ला छोटे बच्चे के साथ कितना खूबसूरत लगेगा। मैं ले गिफ्ट लाया हूँ। ये उसे उठा के पटकता है इसको, मतलब प्यारा है। छोड़ो छोड़ो, इसका नाम क्या है? मोती। हीरा। हीरा है, मोती कहाँ गया? इसको डिस्को करा दें क्या? इसको डुड्डू पिला दिया करो। डीजे बुलबुल, डीजे युवराज। कितना फनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरसों तो जो है अब फूलने को आ गई है, तो इसलिए सरसों के जो फ्लावर हैं अब बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सरसों का यहाँ पे सुंदरता आपको मैं अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसके फूल कम हो रहे हैं। क्योंकि जब सरसों फूलने लगती है तो उसके जो है फूल कम हो जाते हैं, वही फूल जो है सरसों बन जाता है। तो मस्टर्ड आपको पीछे देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड आयल आपने खाया होगा, आप यहाँ पे व्यू ले सकते हैं। पीछे हमारे कुत्ता आवाज करता हुआ, इसका नाम है सनी।
ए पैर से मत मारो भाई, छोटा बच्चा है। ये हमारी चारा मशीन है, इसमें हम गाय का हरा चारा डाल के कतरते हैं। इससे जो है मसल्स हम लोगों की स्ट्रांग होती है, एक्सरसाइज हो जाती है, अंकुर भी कर लेता है। अंकुर से मैं कतराता हूँ, इसकी भी मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। तो गांव में यही सब तो अच्छा लगता है, जिम करने कोई ज़रूरत नहीं, यही करो एक्सरसाइज है, गाय की सेवा करो और ये सब हरा चारा वगैरह काटो खिलाओ, यही सब तो काम होता है, एक्सरसाइज होता है। और ये केला का पेड़ ये मैंने लगाया अपने हाथों से, पहले मैंने एक लगाया था बड़ा वाला, फिर उससे ये कई सारे हो गए। तो केला का पेड़ अपने आप में वो गुच्छा जो है बढ़ जाता है। तो ये बनाना का पेड़ दो बार बनाना दे चुका है, अब भी हो सकता है तीसरी बार बनाना दे। हाँ भाई जी, ये बड़ा बड़ा दोस्त है, आइए और कुछ दिखाते हैं आपको। चलो आगे जा। ये अमरूद का पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं छोटा था, करीब इनसे तो बड़ा था तब लगाया था मैंने, आज इतना बड़ा हो गया गुआवा का। और इसके बगल वाला गुआवा जो है वो मेरे अंकल ने लगाया था, वो मैंने नहीं लगाया था। इधर हरियाली देख सकते हैं, यहाँ पे ये गाय का चारा और ये यहाँ पे लहसुन, तो यहाँ पे गार्लिक देखने को मिलेगा, ओनियन देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें हमारे खेतों में यहाँ मौजूद है। ये मेरा ही खेत है, ये भी मेरा खेत है और ये वाला भी। तो यहाँ पे ब्रिंजाल का पेड़ है, ये इसमें बैगन होता है, ये जो है ब्रिंजाल का है। और ये है मिर्ची का पेड़, यहाँ पे हम बहुत सारी सब्जियाँ अपने आप यहाँ पे उगा लेते हैं अपने खेतों में। ये मिर्ची का हो गया, इसके बगल ये टमाटर का, आप लोग शायद टमाटर का टमाटो का प्लांट ना देखा हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये मिर्ची का पौधा है, इसके बगल ये ब्रिंजाल का था। यहाँ पे हमारे दर्शक लोग देखते हुए क्या शूट चल रहा है, यहाँ पे ये फ्लावर वगैरह हमारे घर के सामने, वावा का पेड़, बहुत सारी हरियालियाँ। आइए और कुछ दिखाता हूँ। ये गुलाब का पौधा कितना क्यूट लग रहा है, अभी हाल ही में रोज डे था। और ये भी हमको लगता है नहीं, ये प्याज है, इसमें हाँ ओनियन आएगी। ये धनिया है, धनिया के साथ साथ ये मेथी है क्या अंकुर? व्हाट इज दिस? बकरम है। बकरम ये क्या होता है? कुछ होता हो? हाँ ये दाल का कोई पौधा है। ये लहसुन है और इसके आगे आपको दिखाता हूँ, ये भी लहसुन गार्लिक ही है। बस और यहाँ पे ये यहाँ पे शायद मूली का है, इसके अंदर मूली होती है, ये जो रेडिस यहाँ पे इसके अंदर मूली होगी। वहाँ पे कैरेट बोया जाएगा, कैरेट है ग्रो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी की खेती भी हमने की है, ये सब मेरा ही खेत है। हम लोग मतलब बाजार से बहुत कम सब्जियाँ यूज करते हैं, जो उगाते हैं वही खाते हैं। तो ये गोभी हो गई, गोभी कितनी क्यूट लग रही है आप पे। यहाँ पे बंद गोभी अब की नहीं बोई गई है शायद, बोई गई है ये है। बंद गोभी भी है, मिल गई। ये बंद गोभी है, ये है। तो ये हमारा छोटा सा खेत जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ। आइए आगे कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फूल मिलेगा आपको, ये सफ़ेद फूल लाल फूल, बहुत अच्छा लगता है इसका व्यू। हिबिस्कस का है एक और, एक ये हिबिस्कस का है, ये शायद चमेली है कुछ और। हाँ चमेली है। आइए कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे एक अनार का पेड़ हुआ करता था, फिलहाल नहीं है, रिप अनार का पौधा। ये भी हमारे चाचा लोगों का खेत है, इनमें भी बहुत सारी फसल मटर वगैरह बोई गई है। ये बड़ा वाला नींबू और ये आम का पौधा वगैरह भी हमारे दादी का है, गाँव का पेड़ है। ये यहाँ पे बैर है, ये भी हमारे चाचा जी का है। और ये है आंवला का पेड़, इसमें हम लोग मुरब्बा वगैरह बनाते हैं और आंवले का अचार बनाते हैं, बहुत सारा चीज़। आंवला, आंवला का पौधा भी, आंवला नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ये है बेल का, इसके बगल में ये वाला बेल का है, आम का है। ये मेरा खेत नहीं है, ये गांव बगल वाले गांव का खेत है, ये मेरा खेत है। यहाँ से लेके वो बगिया जो दिख रही है सामने, बगिया वहाँ अरहर का जो बोया गया है वहाँ तक मेरा ही है।
तो गांव में बहुत सारी ज़मीनें हम लोगों की हैं, गांव में खेती ही तो रहती है हम लोगों के पास, और कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी होता है, इसी खेती से सारा घर का खर्चा चलता है, खाना पीने की सुविधा भी यहीं से हो जाती है। तो ये हमारे गांव का ये यहाँ इंटर कह लीजिए, यहीं से हम लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ से आगे सड़क गई है वहाँ पर हम लोग मिल जाते हैं, पक्की सड़क है तो कहीं जाना होता है तो वहाँ आगे सामने रोड गई है, ये खड़िंजा वहीं पर मिला देगा। तो इधर जो है मेरा खेत एक बार देख लीजिए आप, ये सामने जो बगिया है किसी और की नहीं हमारी ही है, इसमें इतना सारा आम होता है कि हम लोग आम का अचार वगैरह तो यहाँ स्टॉक भरे रहते हैं, बस बेचते नहीं हैं, आम वगैरह बेचते हैं, अचार नहीं बेचते हैं, आम खटाई अचार खटाई ये सब बहुत बहुत भरा रहता है। तो ये बगिया यहाँ से लेके उधर भी है कुछ सारा, बहुत सारा नहीं, 4-5 पेड़ उधर हैं, फिर उसके बाद ये पूरी बगिया इस साइड वाली अपनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर तरह तरह के आम आपको पाए जाएंगे। तो उस साइड अभी आपको थोड़ी देर में ले चलूँगा, तो उस साइड अभी हम लोग खड़े थे यहाँ पे आ गए, ये है गेहूँ का खेत, तो ये हमारा गेहूँ का खेत है, बहुत सारा गेहूँ होता है। अरे बिल्ली यहाँ क्या कर रही, जंगली बिल्ली लग रही है मुझे तो। और ये है हमारा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में क्या क्या होता है, एक ये जनरेटर टाइप का रहता है जो इंजन है, ये पंखा है इसे खींचता है पट्टा लगा के, और यहाँ पर पानी देता है, अभी ख़राब चल रहा है इसी से हम लोग अपना गेहूँ वगैरह सींचते थे। आइए आगे आपको दिखाते हैं, ये बहुत सारा फूल यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में हमें। इधर साइड आप देख सकते हैं पूरा स्टॉक है फूल का, और ये भैंस बहुत मारती है, बच गया नहीं तभी मार देती, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा नाटक करती है, मारो मत। यहाँ पे गांव में फूल कितना सोहनी होते हैं आप देख सकते हैं, मैरी गोल्ड का, आ जाओ आगे चलते हैं। ये है काली गोट और ये है बैल, पहले इसी से खेती होती, अब भी इसी से की जाती है हमारे गांव में, तो हमारा गांव कितना पिछड़ा आप जान सकते हैं। पीछे ये पैरे की गंजहार, यहाँ पे तीतर पाली भी है, इस नज़र न लग जाए इसलिए काला मटका यहाँ पे लगाया गया खेत में, आप देख सकते हैं। इधर आपको गन्ना देखने को मिलेगा, शुगर केन, यहाँ आलू खोदी जा रही थी, आलू बोरे में बन गई है, और ये यहाँ पे आलू की खेती हुई है, तो आप देख सकते हैं। और ये रहा बांस का पेड़ बैम्बू, आपको दिखा देता हूँ, गांव में ही सब आपको देखने को मिलेगा। इधर है शुगर केन, दिस इज़ अ शुगर केन, और गन्ना, गन्ने का गुड़ यानी कि गूसबेरी फ्रूट इसी से बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, कभी आप खा के देखिएगा। टंकुर यहाँ नहर का विवरण लेते हुए, ये हमारा नहर में पानी अभी हाल ही में आया है, तो पहले क्या होता था गांव में सिंचाई करने को कोई साधन नहीं था, तो यहाँ पे इसी नहर के पानी का वेट होता था ताकि नहर में पानी आ जाए तो हम लोग अपना खेत यहाँ से पानी ले जाके सींच सकें। तो ये नहर और हमारे नहर के ऊपर पट्टी बनती हुई यहाँ ताकि सड़क हो जाए। जिस बगिया की मैं अभी बात कर रहा था आपको उस साइड से, ये रही वो बगिया हमारी, यहाँ पर तरह तरह के आम आपको खाने को मिलेंगे, कभी आप आके ज़रूर देखिएगा, तो इसमें बहुत तरह तरह के पेड़ हैं, काफ़ी बार स्टॉर्म आने के कारण पेड़ गिर चुके हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हमारी लंबी सी बगिया, दशहरी मैंगो, इधर से भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, तो गांव की ये शोभा आपको मैं दिखाना चाह रहा था। अभी आप देख रहे हैं मेरा गांव ब्लॉग पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे बैम्बू ट्री का स्टॉक देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे बांस का पेड़ है, कितनी छाया रहती है, शीतल गर्मियों में अगर बाग में आ जाइए, आम खाते रहिए, यहीं शीतलता का एंजॉय करिए। तो हमारे बगिया आप देख सकते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो गर्मियों में हम लोगों के लिए जन्नत होता है, यहाँ पे आते हैं हम लोग बाग में और ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है और आम खाते हैं पेड़ से, यहीं पर छाए में हम लोग रेस्ट भी करते हैं, तो हमारी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे ही बीतती हैं यहाँ पर गाँव में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकुर आप कहाँ चलें, अब हम लोग चलते हैं कोई इंटरेस्टिंग जगह, चलो।
हैं सरसों का खेत। ए हमारी प्यारी सी गाय, प्यारी सी गाय। गाय गाय कैसे गोबर करती है आप इस ब्लॉग में जरूर देखेंगे। अब देना ही बंद कर दी। कोई बात नहीं गोमत, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग। ये है बहुत अच्छी गोली खेलते हैं, बहुत गोली। ओह नो, अभी दिन का एक्सीडेंट हो गया था। हमारे गांव का सबसे मशहूर कुआं, यहां पे सभी गांव वासी पहले पानी भरने आया करते थे। प्राचीन बहुत प्राचीन कुआं है, यहां पे पूरा गांव पानी भरा करता था। मेरा यहां पे स्टैंड खराब है, हो सकता है मेरा कैमरा नीचे गिर जाए। डर लग रहा है, मेरा फोन न चले जाए। काफी गहरा कुआं है, दूर से देखिए मेरा फोन चला जाएगा तो मैं ब्लॉग कैसे शूट करूंगा। तो ये है हमारे गांव का पोखर, नहीं ये है कुआं, आगे है तालाब। तो दोस्तों आपने इमली का पेड़ तो नहीं देखा होगा, हमारे गांव में ये भी मौजूद है। ये है इमली का पेड़, इसकी पत्तियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। बच्चों पत्ती ज्यादा मत तोड़ो। तो ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।